नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स एनालिसिस। तो दोस्तों, आपकी भारी डिमांड के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ दोस्तों, जिसका शीर्षक रहेगा सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल की वैकेंसी जो 2016 के बाद से अभी तक नहीं आई गई है। काफी चैनल्स इसके बारे में झूठ बता रहे हैं, काफी लोग अफवाह फैला रहे हैं, तो आपके सामने आज मैं रियल इन्फॉर्मेशन लेकर आ रखा हूँ। होप आपको अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप पबजी खेल सकते हो। तो गाइस, मैं बात करने वाला हूँ सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, इसकी भर्ती क्यों नहीं आई, कब तक आएगी, क्या कारण थे, कौन कौन अप्लाई कर सकता, हर एक प्रकार की जानकारी, हर एक प्रकार के आपके डाउट मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। तो गाइस, 2016 के बाद से इस भर्ती को 1.5 से 2 साल लगे थे कम्प्लीट होने में। 18 में जाके आई थिंक बच्चे रिक्रूट हुए थे, ट्रेनिंग चल रही थी। और दोस्तों, ये इसलिए नहीं आया क्योंकि कुछ डिपार्टमेंटल के इश्यूज हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के कारण ही भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। भर्ती पिछले साल आ जानी थी लेकिन किसी कारणवश वैकेंसी नहीं आ पाई, लेकिन इस साल अनुमानित है कि वैकेंसी जरूर आएगी बहुत ही जल्द। ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है crpf.government.india के ऊपर लॉन्च कर दिया जाएगा, बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन नोटिस हमें इस भर्ती का रिगार्डिंग मिल जाएगा। तो भर्ती का नोटिस दोस्तों आप नीचे जाके यहाँ पे ले सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों ये रिक्रूटमेंट है, व्यू ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे आप कीजिएगा तो यहाँ पे अभी कॉन्स्टेबल GD असिस्टेंट कमांडेंट CAPF का ये अभी चल रहा है दोस्तों, ठीक है। जैसे ये कम्प्लीट होगा वैसे आपका CRPF हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी आएगी। और दोस्तों अनुमानित ये है कि लगभग कितनी वैकेंसी आ सकती हैं, लगभग दोस्तों 700 से 800 वैकेंसी आ सकती हैं, ठीक है। 700 से 800 वैकेंसी इसमें आ सकती हैं हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रल के लिए। अब दोस्तों मैं इसके भर्ती प्रक्रिया का आपको बताता हूँ, विश्लेषण करता हूँ, ठीक है। इसका जो एलिजिबिलिटी रहेगा, जो कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है, ऑल ओवर द इंडिया से बच्चे इसे अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास बच्चा इसे अप्लाई कर सकता है, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, ओपन बोर्ड हो, CBSE हो, इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, कोई भी प्रकार का बोर्ड हो, 33% अंक के साथ। अगर आपके 12वीं कक्षा में 33% अंक हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इफ यू हैव एटलीस्ट 33% ऑफ मार्क्स इन 12th, यू कैन अप्लाई डायरेक्टली अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी, ठीक है। साथ ही साथ आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर फॉर बॉयज जनरल कोटा के लिए, और 162.5 हाइट होनी चाहिए जो बच्चे हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, कुमाऊं, डोगरा, गढ़वाली, ठीक है। लड़कियों के लिए मिनिमम हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप हिली एरिया से बिलोंग करते हो या फिर नॉर्थ ईस्टर्न, जैसे कि आपका मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा हो गया, तो इनमें अगर आप इन जगह से बिलोंग करते हो तो आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 153 सेंटीमीटर फॉर गर्ल्स के लिए। वेट आपको होना चाहिए लड़कों के लिए 50 kg, मेरा उस समय 48 kg था, मैं बहुत पतला था लेकिन उन्होंने मुझे ले लिया, क्योंकि वेट दोस्तों बढ़ सकता है, हाइट नहीं बढ़ सकती, ठीक है। और आपकी चेस्ट होनी चाहिए मिनिमम 77 और फुलवागे होने चाहिए 82, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलावा होना अनिवार्य है। पहले आपका दोस्तों होगा फिजिकल PST होगा, जिसमें आपका हाइट वेट चेस्ट चेक किया जाएगा, आपके थंबनेल, आपकी थंब इंप्रेशन लिया जाएगा, बायोमेट्रिक किया जाएगा। उसके बाद में सेकेंड आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन, जो कि 200 नंबर का होता है, जो कि बहुत आसान पेपर रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका होता है टाइपिंग टेस्ट, यानी कि स्किल टेस्ट, जो कि आपका कंप्यूटर के ऊपर होता है टाइपिंग में। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग कर सकते हो तो आपको 10 मिनट का समय मिलता है, और आपको 10 मिनट में 350 अक्षर लिखने होते हैं। अगर आपके 350 अक्षर में से 35 गलतियां हो गई तब भी आपको पास कर दिया जाएगा, अगर आपकी इससे ज्यादा गलती होगी तो आपको फेल कर दिया जाएगा। अगर आप हिंदी में अच्छे हो, हिंदी में अच्छी राइटिंग है, तो आपको हिंदी में 300 वर्ड पर मिनट लिखने हैं, 300 वर्ड 10 मिनट में, सॉरी। आपके सामने कागज दे दिया जाएगा, आपको कागज को देख के लिखना है, ठीक है। मैंने जिस समय दिया था बहुत ही आसान था, यार मुश्किल नहीं होता है, लेकिन आपने एक बार जो लिख लिया उसको अगर आपने बैक स्पेस दबा दिया, उसके अगर आपने स्पेस दबा दी तो आप उसको मिटा नहीं सकते। बस इस चीज का ध्यान रखना कि लिखते वक्त आप मिटा सकते हो, लेकिन बैक स्पेस देने के बाद नहीं, ठीक है गाइस। तो गाइस, ये आपको मैंने बता दिया हाइट, वेट, चेस्ट, एलिजिबिलिटीज के बता दिए। अब उम्र सीमा में बताने जाऊंगा, 18 से 26 साल मिनिमम जनरल कोटा के लिए एज रखी गई है। अगर आप SC ST है तो 5 साल की छूट, और अगर OBC हो तो 3 साल की छूट आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल जाएगी। ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों इसे अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी बहुत जल्द इसी साल
जल्द से जल्द रिलीज कर दी जाएगी, लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस कुछ चीजें पेंडिंग पड़ी हैं जो कि बहुत ही जल्द हमारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल देखेगी, और मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही जल्दी वैकेंसी निकाली जाएगी, बहुत ही जल्दी नोटिस निकाला जाएगा। तो छोटा सा अपडेट देना था आपको सीआरपीएफ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी के बारे में, और हम आशा करते हैं आप इस वैकेंसी से, इस इन्फॉर्मेशन से संतुष्ट होंगे। अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन में देना जरूर मत भूलिएगा, मैं आपकी प्रतिक्रिया का वेट करूंगा दोस्तों। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है, आपकी प्रतिक्रिया का मुझे वेट रहता है दोस्तों। आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, आपका दिल से आभारी हूँ, और सपोर्ट कीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी फैलाइएगा दोस्तों। हमारी 22,700 की फैमिली है, लेकिन 303,000 बच्चा ही देख पा रहा, मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है, उन्हें मेरा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा, उन्हें अच्छी चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, पर दोस्तों मैं सच्चाई लेके आ रहा हूँ और आपके सामने प्रूफ देता हूँ। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब मत भूलिएगा। जय हिंद एंड जय भारत, कीप सपोर्टिंग मी गाइस, लव यू ऑल।